सामने देखे कि मैंने आधे ज्यादा खाओ गली कवर कर लिया हूँ, तो पहले ही दिन में पूरी खाओ गली कवर करना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, इसलिए मैंने आपके लिए खाओ गली एपिसोड 2 लेके आया। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग सदर अंसारी। आज की खाओ गली की जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ ताज किंग शोरमे से। तो जैसे कि चलता हूँ वहाँ का, देखता हूँ शोरमा ट्राई करके, पहले मैं शोरमा ले गया। वेजिटेबल्स है और नॉन वेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो सब वेजिटेबल्स है। तो मैं टेस्ट कर लेता हूँ, टेस्ट करके बताता हूँ। ठीक है, अच्छा है, यहाँ पे सब वेजिटेबल्स है, गोभी है। ये कंप्लीट कर लेता हूँ, कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। देखिए ये था मेरा फ्रूट बियर, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत टाइम बाद फ्रूट बियर मैंने पिया हूँ। सॉस है, सॉस के साथ ये पत्ता गोभी है और चिकन है, चिकन सॉस है, मायोनीज भी है और बहुत ही ज्यादा गर्म है। टेस्ट कर लेता हूँ, टेस्ट करके आपको अच्छा है।
बुरहानपुर मावा जलेबी गया, जहाँ पे कई बड़े बहुत ही फेमस है और उनकी जलेबी बहुत ही फेमस है। तो मैं भी टेस्ट करता हूँ कई बड़े और जलेबी का पौधा, तो जैसे कि आप देख सकते हो कई बड़ा आगे रह गया है। तो यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये इमली की चटनी है और यहाँ पे चाट मसाला भी है, मैंने टेस्ट करता है। जैसे कि अभी दही बड़ा जस्ट मैंने खाया, बहुत ही सही टेस्ट है उसका। और अभी जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सामने कढ़ाई है, यहाँ पे इसमें जलेबी तलेंगी है और जलेबी तलने के बाद ये चाशनी है, चाशनी में उसको डुबोएंगे, उसके बाद फिर हम टेस्ट करेंगे। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो तेल अभी गर्म कर रहे हैं, तो अभी जस्ट वेट कर रहा हूँ मैं जब से जल्द ये जलेबी तले और मुझे ला के दें। तो जब जलेबी आती है तब मैं आपसे मिलता हूँ। टपक रहा है का जो सीढ़ा है काफी टपक रही है, तो नॉर्मल जलेबी से बहुत ही अलग है। पूरा कंप्लीट कर दो, कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। जैसे कि जलेबी खाने के बाद मैं आया यहाँ पे जूस पीने के लिए, कॉकटेल है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, हमेशा कहीं भी मैं जूस पीता हूँ तो एक ऐसा कोई सर्टन फ्लेवर नहीं लेता हूँ, पूरा कॉकटेल ही लेता था। जूस ख़त्म कर लेता, जूस ख़त्म करके आपसे मिलता हूँ।